गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए आज सिंपल स्क्रू जैक पे न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोग लगभग सारे इसमें डेरिवेशन जितने फार्मूले थे सब हम लोग ने कर लिया है और सारी वीडियो है। ये लेक्चर नंबर 10 है और 9 तक में सारी, उस 9 में दो तीन वीडियो ऐसी हैं जो कि न्यूमेरिकल्स की हैं, बाकी सारे ही सिस्टम्स की हैं। डिफरेंशियल व्हील एक्सल जितने भी वार्म व्हील सारे हैं, उसका वेलोसिटी रेशियो निकालना, सब जितनी चीज़ें सब मैंने करा दिया है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल ही बच रहा है, उसके बाद जो शुरू में कुछ सिविल में जो नहीं हुआ तो उसको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक, चलिए आज न्यूमेरिकल देखते हैं स्क्रू जैक पे। ठीक, न्यूमेरिकल देखेंगे भी और न्यूमेरिकल आपको देंगे भी, आप उसे करिएगा। ठीक है, पहला है इन अ सिंपल स्क्रू जैक पिच इज 6 mm एंड द लेंथ ऑफ हैंडल इज 28 cm. If efficiency of jack is 42%, then for lifting weight of 9500 newton, how much effort will be required, and also find out output work. ठीक है, मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, जिसे क्वेश्चन लिखना होगा वो लिख सकता है कि देखिए, इन ए सिंपल स्क्रू जैक पिच इज 6 mm, मतलब सिंपल स्क्रू जैक में पिच 6 mm है और हैंडल की लंबाई 28 cm है। अगर जैक की एफिशिएंसी 42% हो तो 9500 न्यूटन का वेट उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी और उसका आउटपुट वर्क भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले आप ये आउटपुट वर्क निकालना है और पी निकालना है, तो आप ये जानते हैं कि पहले मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। क्या क्या दिया है? पिच बराबर क्या दिया है? 6 mm. लेंथ ऑफ हैंडल एल कितना दिया है? एल लिखेंगे चाहे इसको आर लिखेंगे, मैंने बताया था कि जब हम लोग बनाते थे तो ये लेंथ ऑफ हैंडल होती थी ना। ठीक है, ये आर होता था, याद है आप लोगों को, चाहे इसको एल भी लिख सकते हैं। तो क्या होता था, आप इसके लिए सिंपल स्क्रू जैक वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, सारा वहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, तो आर कितना दिया है? 28 cm, या फिर इसी को आप 280 mm भी कह सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी दिया है 42%, देन फॉर लिफ्टिंग वेट ऑफ, मतलब W जो दिया है वो दिया है 9500 न्यूटन, P पूछ रहा है, इसके अलावा आउटपुट वर्क पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो अब इसके लिए इफिशेंसी बराबर आप जानते हैं, हमको पी निकालना है, तो इफिशेंसी बराबर आपको पता है क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, मैकेनिकल, अब मैं अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं, इसी में W अपॉन पी है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, W अपॉन पी होता है, तो हमको यही पी फाइंड आउट करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी
इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो डब्ल्यू अपॉन पी यहाँ रख दीजिए, पी बराबर एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अब हमको पी पता करना है, तो पी बराबर सीधे मैं लिख दूँ ऐसे, डब्ल्यू अपॉन एन परसेंटेज इनटू वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो हमको नहीं पता, तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है, पढ़ा चुके हैं इसको, टू पाई आर अपॉन पी। ठीक है, 2πr, 2 × 3.14, सारा लिख दीजिए। r कितना दिया है, 280 अपॉन p जो दिया है 6। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 293.2 के आसपास आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले इसको बना लिया है, तो 293.2 के आसपास आना चाहिए। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो p बराबर क्या हो जाएगा, w कितना दिया हुआ है, 9500, और ये कितना परसेंटेज कट जाएगा, कितना बचेगा, 0.42%, 1/100 होता है, तो 0.42 × वेलोसिटी रेशियो कितना है, 293.2। टोटल पी निकल के जो आपका आएगा 77.14 न्यूटन आएगा, 14 न्यूटन, यही क्या है आंसर। ठीक है, दूसरा इसी में पूछता है, आउटपुट वर्क, आउटपुट वर्क पूछ रहा है, वो क्या होता है, आउटपुट वर्क बराबर क्या होता है, डिस्टेंस वेट इनटू, वेट इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। ठीक है, तो आप जानते हैं वेट कितना है, 9500, डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड कितना है, 0.6। ठीक है, कितना दिया था, 6 एम दिया था, 6, अभी कितना हो जाएगा, 57,900, 9545। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9545 के 5, फिर नहीं, 6 × 5 = 30 के 0, 6 × 9 = 54, 6 × 5 = 30 के 0, 6 × 9 = 54, इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा आपका आउटपुट वर्क। ठीक, तो यही था, यही दोनों चीज़ पूछ रहा था। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल दूँ, अगला क्वेश्चन मैं एक और आपको बोल देता हूँ, जिसका सलूशन हम लोग अगले क्वेश्चन में है उसमें देखेंगे। क्वेश्चन है, इन अ सिंपल स्क्रू जैक, इन अ सिंपल स्क्रू जैक, पिच ऑफ द थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड इज 10 mm, इज 10 mm, लेंथ ऑफ हैंडल इज 40 सेंटीमीटर, हैंडल इज 40 सेंटीमीटर, इफ इफिशियंसी ऑफ द जैक इज, इफ इफिशियंसी ऑफ जैक इज 49%, 49%, देन फॉर लिफ्टिंग लोड 8000 न्यूटन, हाउ मच इफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। आगे लिख देते हैं, रिक्वायर्ड आल्सो फाइंड आउट इनपुट वर्क। एक क्वेश्चन ये बनाएंगे और एक क्वेश्चन और है, चलिए उस क्वेश्चन को चाहे तो अगले में ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बनाना है,
इसमें क्या करता है, सिंपल स्क्रू जैक में उसकी पिच दी हुई है 10 mm, लेंथ ऑफ द हैंडल 40 सेंटीमीटर की, एफिशिएंसी ऑफ जैक 49%। देन फॉर द लिफ्टिंग, मतलब इतने 8 जन न्यूटन को उठाने के लिए कितने प्रयास की जरूरत पड़ेगी, और इनपुट वर्क भी ज्ञात करना है। कुछ अगर आपको कुछ सोल्यूशन का हिंट दूँ, हिंट तो जैसे सेम ऊपर वाला था वही होगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो, उसके बाद पी निकालेंगे वैल्यूम पुट अप करके, फिर इनपुट वर्क के लिए आप क्या लिखना है, इनपुट वर्क है तो पी इंटू क्या हो जाएगा, जैसे कि आउटपुट वर्क में वेट इंटू डिस्टेंस कवर बाई लोड था, तो इस इनपुट वर्क में इफर्ट इंटू डिस्टेंस कवर बाई इफर्ट था, कवर्ड बाई इफर्ट, इसी का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले कुछ लेक्चर में हम फिर कुछ करेंगे। ठीक है, ओके।